इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारत में अंग्रेजों ने बहुत से ऐतिहासिक घंटाघर बनवाए हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि देश में सबसे ऊंचा घंटाघर लखनऊ में है। लखनऊ के विभिन्न इलाकों में कुल 5 घंटाघर हैं, जो शहर की बेशकीमती धरोहर का हिस्सा है। पुराने शहर के ऐतिहासिक स्मारक रूमी दरवाजे के नजदीक हुसैनाबाद घंटाघर देश का सबसे ऊंचा घंटाघर माना जाता है। सन 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने पुराने शहर की कई इमारतों को गिरा दिया था। उसी के बाद शहर में विक्टोरियाई अंदाज की इमारतें बनवाने का सिलसिला शुरू हुआ। जनता को समय बताने के लिए पहला घंटाघर सन 1881 में बनवाया गया था। यह घंटाघर तब बनवाया गया था जब सर जॉर्ज कूपर बार्ट आगरा अवध संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर आए थे। ये खूबसूरत घंटाघर नए नए अंदाज की शिल्पकारी के साथ बनने वाली पहली इमारत थी। इसे PWD के इंजीनियरों ने नहीं बल्कि पूरी तरह पेशेवर शिल्पकारों ने बनवाया था, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की तरह भारत आए थे। इस घंटाघर का डिजाइन ब्रिटिश शिल्पकार रॉस्केल पेन ने किया था। पेन ब्रिटिश इंडिया के सबसे मशहूर शिल्पकारों में से एक सर विलियम एमर्सन के शागिर्द थे। विलियम एमर्सन ने ही कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन किया था। इसे बनवाने में कुल 1,17,000 रुपए का खर्च आया था। अवध के 8वें नवाब मोहम्मद अली शाह अपने खजाने में 36 लाख रुपए छोड़ गए थे। ये रकम उसी खजाने में से खर्च की गई थी। यहाँ की घड़ी भी लूटगेट लंदन के घड़ीसाज जेम्स विलियम बेंसन ने बनाई है। बेंसन महारानी विक्टोरिया के घड़ीसाज थे। ये भारत की सबसे बड़ी घड़ी है, जिसका दायरा लगभग 4 मीटर है। इसमें आरंभ में हर चौथाई घंटे की सूचना देने के लिए 5 घंटियों वाली झंकार लगी थी। घड़ी के अंदर गैस बर्नर लगे थे, जिनके जलने से हिंदसों का रोगन चमकने लगता था। इस तरह रात को भी समय देखा जा सकता था। भारत में इस तरह की विचित्र चीज पहली बार देखी गई थी। 67 मीटर ऊंचे इस घंटाघर में भारतीय और इस्लामी शिल्पकारियां देखी जा सकती हैं। इस घंटाघर के ऊपर बनी मेहराबों और गुंबदों में मूरिश शिल्पकारी की झलक मिलती है। घंटाघर के निचले भाग में 4 बड़े छज्जे हैं। घोड़ों के नालों जैसे मेहराबों वाले दरवाजे हैं, जिन्हें बड़े बड़े ब्रैकेटों से सहारा दिया गया है। कहा जाता है कि घंटी के लिए धातु इंग्लैंड से मंगवाई गई थी। घड़ी के डायल को 12 स्वर्ण पुष्पों के डिजाइन में बनवाया गया है, जिनके आसपास घंटियां बनी हैं। घड़ी की सुइयां गन मेटल की बनी हैं। बताया जाता है कि घड़ी से निकलने वाली घंटियों की आवाज इतनी तेज होती थी कि पूरे शहर को सुनाई पड़ती थी। ये घंटाघर बेशकीमती धरोहर होने के बावजूद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल नहीं है। अधिकारियों और भले नागरिकों की मदद से इस घंटाघर की घड़ी की कई बार मरम्मत करवाई गई, लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं पाई। इसलिए ऐतिहासिक स्मारकों को पसंद करने वाले लोगों ने इस घंटाघर की मरम्मत करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह शहर की महत्वपूर्ण धरोहर है, इसलिए इसकी देखभाल बेहद जरूरी है।